मैं अवधेश अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस बातचीत को औपचारिक तौर पर शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और अपने कामकाज के बारे में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना 20 वर्ष से ज़्यादा समय हुआ, 2001 में शिक्षा के क्षेत्र में कामकाज करना जिसका पहला मकसद था वहाँ से हुई थी और सोच ये थी कि एक अधिक न्याय संगत, समतामूलक, मानवीय और सस्टेनेबल समाज बनाया जाए, उसमें हम कैसे मदद करें, इसी चिंता के साथ ये फाउंडेशन काम करना शुरू किया था। और धीरे धीरे फील्ड इंस्टीट्यूट और फिर तमाम जो हमारे विजन के साथ मेल खाते हुए संगठन काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद करना, उनके लिए अनुदान, आजीविका के लिए, लोगों की आजीविका के लिए काम करना, जन स्वास्थ्य के लिए काम करना, ये सब धीरे धीरे हमारे कामकाज का दायरा विस्तारित होता गया। 2010 में बेंगलोर में पहला अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय शुरू हुआ था और अभी इसी अकादमिक सत्र में 2023 में भोपाल में हमारा विश्वविद्यालय शुरू हुआ है, जहां पर हम लोग जन स्वास्थ्य शिक्षा, इतिहास, जीव विज्ञान वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं। और इन विश्वविद्यालयों का मकसद ये है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे संवेदनशील युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए जो अपने समाज के लोगों, अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक हों, चिंतित हों और उसे बदलने का जज्बा रखते हों। आज की हमारी जो ये बातचीत है ये एक श्रृंखला है दरअसल, जिसमें लेट्स टॉक क्लाइमेट चेंज इस नाम से एक ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग जन स्वास्थ्य और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं ये ऐसे सवाल जिन पे आमतौर पर चर्चाएं कम होती हैं, बातचीत कम होती है, उन सवालों पर बातचीत शुरू करने, लोगों को जागरूक बनाने, संवाद करने के मकसद से ये श्रृंखला शुरू हुई है। हमारी साथी हरिणी नगेंद्र इस पूरी पहल के केंद्र में हैं। इस तरह के आयोजनों के जरिए हम चाहते हैं कि लोगों का ध्यान ऐसे ज्वलंत मुद्दों की ओर जाए, हम एक तरह की जन चेतना निर्मित कर सकें जो हमारे पर्यावरण, हमारे पहाड़ों, झरनों, नदियों, इन सब के बारे में संवेदनशील भी हो और इनका उत्सव भी मनाए। पिछले वर्ष इसी पहलकदमी के तहत बेंगलोर में हम लोगों ने रिवर ऑफ लाइफ के जरिए, एक फेस्टिवल के जरिए भारत की नदियों को सेलिब्रेट किया था। इस वर्ष हम लोग फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, भारत के वनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये आइसोलेशन में नहीं है, वन में पेड़ पौधे, वनस्पतियां, वन्य जीव और उसके साथ जो रहने वाली वहां की आबादी है, वहां के मनुष्य हैं, हम उन सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पहले ये फॉरेस्ट ऑफ लाइफ की एक एग्जीबिशन और उसके तहत तमाम कार्यक्रम बेंगलोर में हो रहे थे। अभी 16 से 21 जनवरी तक ये फॉरेस्ट ऑफ लाइफ का जो सेलिब्रेशन है वो हमारे भोपाल परिसर में हो रहा है। आप सब लोग आमंत्रित हैं, यदि संभव हो तो वक्त निकाल करके आप लोग आए। वहाँ चित्र प्रदर्शनियाँ हैं, वहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चे
लगातार वहां आ रहे हैं और पर्यावरण के बारे में, हमारे जंगलों के बारे में, हमारे वन्य प्राणियों के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और अब आता हूं मैं आज के चर्चा का जो विषय है वो है हिमालयन एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिर्फ भारत की बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण उस तरह से देशों में विभाजित नहीं हो जाता है ना जैसे हम लोग अपना देश बांट लिए हैं। धरती तो एक है और बड़ी मुसीबत है कि हम इस तरह से न बादलों को बांट सकते हैं न नदियों को बांट सकते हैं। आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ प्रसिद्ध गांधीवादी, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट जी। चंडी प्रसाद जी के बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि 70 के दशक में पर्यावरण को बचाने की जो आवाज, उस समय मान लीजिए उत्तर प्रदेश था, आज जिसे हम उत्तराखंड कह रहे हैं, लेकिन हिमालय के इलाके में पर्यावरण को बचाने की जो आवाज चिपको आंदोलन से उठी थी, उसमें कहा जाए तो चंडी प्रसाद जी का संगठन एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा था। चंडी प्रसाद जी ने जो संगठन खड़ा किया वो चिपको आंदोलन की नींव बना और उत्तराखंड आज जिसे कहते हैं वहां से शुरू हुई वो एक आवाज धीरे धीरे पूरे हिमालयी क्षेत्र में फैल गई, जहां तमाम नौजवानों ने, तमाम स्त्रियों ने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम अपने पेड़ नहीं कटने देंगे, पेड़ों को काटने के पहले आपको हमारे ऊपर हिंसा करनी होगी। तो इस तरह के आंदोलन के प्रणेता और सूत्रधार चंडी प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं चंडी प्रसाद जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और आज आप चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में जो वन आच्छादन है वो कितना जरूरी है, इसकी कटाई ने और जो जिस तरह से व्यावसायिक इसका इस्तेमाल हो रहा है उसने कितना बड़ा पर्यावरणीय संकट खड़ा किया हुआ है, इस सिलसिले में आज चंडी प्रसाद जी हम लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। चंडी प्रसाद जी को उनके काम के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित किया जा चुका है। इसके पहले कि चंडी प्रसाद जी अपनी बातचीत शुरू करें, हमारे अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय भोपाल के वाइस चांसलर श्री गौतम पांडे जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और चंडी प्रसाद जी को सम्मानित करें। गौतम अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय गौतम पांडे जी, प्रोफेसर अवधेश जी, माननीय सारस्वत जी और हमारे राकेश दीवान जी जो पिछले 4 दशक से अपने मिट्टी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में हिमालय में आए थे और अपने अनुभवों से हमें भी लाभान्वित किया, तो आज उनसे भी मेरी यहाँ पर भेंट हो गई। विद्वत्जनों, युवा मित्रों, बहनों और भाइयों, ऐतिहासिक एवं मिलीजुली संस्कृति का केंद्र तालाबों की नगरी भोपाल के इस प्रशासनिक अकादमी के इस प्रांगण में आप सब युवा मित्रों और विद्वत्जनों से इस बातचीत के निमित्त आप लोगों से भेंट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जिसके लिए मैं अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय परिवार का और मुख्य रूप से कुलपति महोदय का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज विश्व के चिंतनशील समाज के सामने दो समस्याएं मुख्य रूप से सामने हैं, उठ रही हैं गंभीरता से। एक तो है पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और दूसरी है युवा शक्ति को रचनात्मक आधार देने में इस पीढ़ी की असफलता। यदि इन दोनों समस्याओं को समन्वयात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे निकल सकता है। और अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। यह ज्ञान के साथ युवाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए, जिसमें पर्यावरण भी शामिल है, विचार के साथ गठित अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय इन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं के रूप में निष्ठावान युवाओं की टीम तैयार कर रहा है। इसके लिए मैं अजीत प्रेम जी फाउंडेशन एवं विश्वविद्यालय के नेतृत्व को बधाई एवं साधुवाद देता हूँ। कल जब मैं यहाँ पहुँचा रात को काफ़ी देर से, क्योंकि मैं गोपेश्वर, मुझे दो दिन लगे और देहरादून से यहाँ आने में करीब 12-14 घंटे लगे, सारस्वत जी से भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि पहले अवधेश जी जो हैं वो परिचय देंगे। तो मैंने कहा भाई परिचय मैं स्वयं अपना दूंगा, क्योंकि अधिकांश होता ही है कि जैसे आपने कहा कि रेमन मैगेसी से इत्यादि ये सब से मैं बचना चाहता था, क्योंकि आज से जब मैं सामाजिक सरोकार के लिए बाहर निकला तो उस समय दो शब्द मेरे ध्यान मुझे पढ़ने को मिले और उस पर आत्मचिंतन किया। एक तो आत्मश्लाघा और दूसरा सुवर्विष्टा, माने आत्मप्रशंसा। यदि आप सामाजिक जीवन में जा रहे हैं तो आत्मप्रशंसा सुवर्विष्टा की तरह देख। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरा परिचय नहीं किया जाना उस रूप में, क्योंकि आजकल जैसे अभी आपने भी गिराया, तो जब मैं जहाँ भी जाता हूँ यदि मैं दर्शक दीर्घा में रहता हूँ तो जब परिचय होता तो मैं कान में उंगलियाँ डाल देता हूँ। यदि आज तो मंच में बैठा हूँ तो तब परिचय में इस प्रकार से वो तो हो नहीं सकता। तो मैंने आपसे निवेदन किया और आपकी ही प्रेरणा रही कि इस उम्र में भी मैं आज आप लोगों के बीच में भोपाल में हूँ। आपने मुझे प्रेरित किया कि भोपाल में युवाओं से और विद्वजनों से और मुख्य रूप से जो अजीत प्रेम जी फाउंडेशन और अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय द्वारा जो कार्य हो रहा है, मैं इस दृष्टि से आया कि उससे मुझे जो युवा होंगे उनकी ऊर्जा और शक्ति से मुझे नया उत्साह इस उम्र में भी कार्य करने के लिए मिलेगा। तो मैं अपना परिचय संक्षिप्त में देना चाहता हूँ कि मध्य हिमालय का जो उत्तराखंड क्षेत्र है उसमें गंगा की मुख्य धारा है अलकनंदा, उसकी उपत्यका में एक छोटा सा गांव है गोपेश्वर, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के मध्य में स्थित है। गोपेश्वर पुराना गांव था और वहाँ से 50 मील केदारनाथ पैदल था और 50 मील बद्रीनाथ, और जो पंच केदार में चौथा केदार है रुद्रनाथ गोपेश्वर उसकी गद्दी है। तो वहाँ का रहने वाला हूँ और वहीं पर एक रचनात्मक कार्यों की संस्था है, उसका नाम है दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, जो चिपको आंदोलन की मातृ संस्था भी है। चिपको आंदोलन पर्यावरणीय चेतना का एक ऐसा आंदोलन है जिसने वन विशेषज्ञों, वन व्यवस्थापकों की गलत नीतियों का
विरोध किया था। प्रारंभ में तो तनावपूर्ण स्थिति रही, लेकिन प्रबल जनमत के आगे सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी पड़ी। तो समीक्षा का प्रभाव केवल एक छोटे से इलाके को नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जो अलकनंदा नदी है उसके जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पेड़ों की कटाई बंद हुई, और उसके साथ साथ लोगों ने नए पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया, क्योंकि लोगों का उसके साथ, जंगल के साथ अस्तित्व जुड़ा हुआ था। आज से 50 साल पहले जंगलात के लोग और ठेकेदार के लोग पेड़ काटने के लिए जंगल में पहुँचे, तो सामान्य गांव के लोग, जिनमें गांव की महिलाएं थी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और युवा थे, उन्होंने सीधे और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए। क्योंकि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए, उसके लिए जब उन्होंने कोई पर्यावरण के बारे में या इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी या व्याकरण नहीं देखा, न उसके लिए देखा कि हम वन विभाग के लोगों को या ठेकेदार को विज्ञान सम्मत ढंग से कहेंगे कि साहब ये पेड़ कटने से क्या वो होगा, बल्कि उन्होंने, वो भुक्तभोगी थे, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर सीधे सीधे सवाल किया कि ये जंगल यदि कटेगा तो हमारे जो पानी के धारे हैं वो सूख जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन जंगल, ये मुख्य रूप से महिलाएं, क्योंकि पहाड़ों में और पूरे हिमालयी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में गृहस्थी के संचालन की मुख्य धुरी महिलाएं होती हैं, माने जंगल का काम करना हो, खेती बाड़ी का काम करना हो, या इसके इतर भी जो पारिवारिक रहन सहन का कार्य करना हो, सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि जंगल हमसे दूर जाएगा तो उसका दुष्प्रभाव हमारी आर्थिकी पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो हम लोग जो, क्योंकि उससे उसमें दो कारण प्रमुख रूप से थे, जैसे अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ जी से उद्गमित होती है और भागीरथी गोमुख से उद्गमित होती है, इन दोनों का संगम तो अपने देवप्रयाग के पास। तो अलकनंदा में 1970 में प्रलयंकारी बाढ़ आ गई थी, उसके कारण क्या हुआ कि बद्रीनाथ जी से और हेमकुंड साहिब से 25 बसें आ रही थी और बेलाकुची एक स्थान था, तो अतिवृष्टि हुई और जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए थे वो सारे छोटे बड़े सभी नाले बहुत बौखलाए, लैंडस्लाइड हुआ, और उन लैंडस्लाइड के कारण अलकनंदा नदी में जगह जगह अवरुद्ध हो गई थी और 60 मीटर तक ऊंचाई तक वो तालाब बन गए थे। उनके टूटने के बाद 6 मोटर पुल, 16 पैदल पुल, और यही नहीं ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में तो भयंकर तबाही हुई, लोगों के 500 एकड़ के करीब खेत बहे नष्ट हुए, इसके अलावा कई लोग भी मारे गए और साथ साथ पशु इत्यादि भी मारे गए। लेकिन वहाँ से 250 किलोमीटर दूर, जहाँ से गंगा नहर निकलती है, हरिद्वार के पास हर की पैड़ी से जो नहर गंगा नहर के नाम से है, वो नहर 250 किलोमीटर दूर से जो अलकनंदा में बाढ़ आई थी उस सिल्ट से जाम हो गई थी, उसमें 3 मीटर ऊंचाई तक सिल्ट जमा हो गई थी, और हरिद्वार से लेकर के पथरी तक 10 किलोमीटर तक वो सिल्ट जमा हो गई थी। और वो सिल्ट का यदि आप अनुमान लगाएं तो 3 मीटर ऊंची सिल्ट 10 किलोमीटर लंबाई तक, उसमें लगभग 6 करोड़ घन फिट मिट्टी जमा हो गई थी। तो उस, जैसे आजकल कहीं भी कोई भी, चाहे भूकंप वाली बात हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, या अनेक प्रकार की जो बाढ़ और बाढ़ आती है, तो आजकल तो कई आपदा बचाव और राहत करने वाले जो बल हैं वो पहुंच जाते हैं, इसके साथ साथ राहत के लिए कई एजेंसियां भी पहुंच जाती हैं, लेकिन उस समय ये सब कुछ नहीं था। तो जो गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल था, उसके कार्यकर्ता, वहाँ के कुछ पत्रकार, कुछ अन्य लोग जो हैं, उन्होंने, संस्था ने 25-25 किलो अनाज दे करके करीब 30 व्यक्तियों की टीम बनाई, 5-6 टीम, और जगह जगह भेजा, और ये देखने के लिए कि जो बिल्कुल बहुत ही
जिसको नितांत शाम के लिए खाना नहीं होगा तो उसको 5 किलो अनाज दे देना, और इसके अलावा ये भी कारण देखना कि इस बाढ़ का इतनी प्रलयंकारी बाढ़ अलकनंदा में क्यों आई। तो हम जब जगह जगह गए तो उस समय आज की तरह सरकार की ओर से तो कोई मदद थी नहीं, तो जब गए तो हमने एक तो लोगों से पूछा कि ये बाढ़ क्यों आई पहले, क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुभव था कि 10-20 सालों में कोई भी इस प्रकार की बाढ़ नहीं आई, इसी प्रकार 20 जुलाई 1974 को क्यों बाढ़ आई। तो लोगों ने बताया अपने अनुभवजनक ज्ञान के आधार पर कि जहाँ जहाँ अलकनंदा की जो छोटी छोटी धाराएँ थीं वहाँ जो पेड़ काटे गए, और उन पेड़ काटे जाने से क्योंकि उसके कारण वहाँ की मिट्टी जो है उथली हो गई थी, अतिवृष्टि हुई और वहाँ फिर लैंडस्लाइड हुआ, उसके कारण अलकनंदा चौप हो गई थी, उसमें बाढ़ जैसी स्थिति हुई, और उसका प्रभाव न केवल स्थानीय परिवेश पर पड़ा बल्कि वहाँ से 250 किलोमीटर दूर तक वहाँ की सिल्ट गई। तो उस समय हम जब पूरे इलाके में घूमे 2 सप्ताह तक, तो एक नोट तैयार किया और भारत सरकार में उस समय डॉक्टर KL राव सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनसे हमने कहा कि भाई 1970 में जो बाढ़ आई उसका कारण मानवीय है या प्राकृतिक है, इसका अध्ययन होना चाहिए। और वही नोट हमने जयप्रकाश नारायण जी उस समय, क्योंकि उससे पहले 1968 में गोपेश्वर में UN डेवर जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के चेयरमैन थे, कांग्रेस के भी किसी ज़माने में अध्यक्ष रहे थे, और जयप्रकाश नारायण जी, ध्वजा प्रसाद साहू, देवेंद्र भाई इत्यादि ये कई लोग गोपेश्वर में जो, तो उस समय परिचय था। तो मैंने जयप्रकाश नारायण जी को भी इस बारे में वो नोट दिया कि इस बाढ़ का कारण क्या है और लोगों को किस प्रकार से हम उनका पुनर्वास, विस्थापन और तत्काल राहत दें। तो उन्होंने बिहार रिलीफ कमेटी, क्योंकि उससे पहले बिहार में सूखा की समस्या थी, तो उन्होंने बिहार रिलीफ कमेटी की ओर से 20,000 रुपया भेज दिया। तो हमने जो डॉक्टर KL राव जो सिंचाई राज्य मंत्री थे उनको जो नोट दिया और उससे उनसे जो प्रार्थना की, तो पता चला कि उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि अलकनंदा की जो प्रलयंकारी बाढ़ आई, क्योंकि उसके कारण उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ की 9 लाख एकड़ जो कृषि भूमि थी उसको 3 महीने तक पानी नहीं मिला, क्योंकि पूरी जो नहर थी अपर गंगा नहर वो सिल्ट से बंद हो गई थी। तो उसका संसद में भी हो हल्ला हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हो हल्ला हुआ, तो उन्होंने तत्काल कमेटी बनाई। लेकिन कमेटी दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो जब उस इलाके में जा रही थी तो उनका जोंगा एक्सीडेंट हो गया था, उससे 1-2 वैज्ञानिकों पर चोट आई, तो उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी ये तो मालूम नहीं। लेकिन जब उसी इलाके में जहाँ 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई तो दोबारा जब पेड़ काटे जाने लगे, तो जगह जगह अनुभवजनित ज्ञान से हमने लोगों को कहा कि भाई 1970 में जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ की जलधाराएँ, छोटी छोटी जो स्ट्रीम हैं वो बौखलाई, यदि दोबारा पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा। हमने जो गांव की बहनें थी जो जंगल में घास के लिए जाती थी, चराई के लिए जाती थी, उनको याद दिलाया कि बहन जी पहले क्या 1970 से पहले इस प्रकार की घटना हुई, इस प्रकार की बाढ़ आई, तो वो कहते थे नहीं। तो हमने कहा 1970 में ही क्यों बाढ़ आई, तो उन्होंने कहा कि आसपास का जंगल कटा इसलिए वो बाढ़ आई, क्योंकि धरती में धरती एक तरफ से उथली हो गई थी और अतिवृष्टि हुई उस दिन, और उसके कारण अलकनंदा में वो मिट्टी बही, और उसके अलावा जो पेड़ काटे गए थे उसके जो टुकड़े बहे उसके कारण ये बाढ़ को प्रलयंकारी रूप मिला। तो फिर हमने कहा कि दोबारा सरकार, यहाँ हमें पता चला कि उस इलाके में फिर से पेड़ काटे जाने वाले हैं, तो हमने कहा यदि दोबारा पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि 1970 की जैसी बाढ़ आई तो ये हुआ कि ये पूरा इलाका फिर से बचाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो सरकारी वो है, और उसका उन जंगलों का नीलाम हो गया था लाखों रुपए में,
और हजारों पेड़ काटे जाने वाले थे। तो हमने जगह जगह पर यात्रा की और लोगों की गांव के पुरुषों की वार्ड कमेटी बनाई, लेकिन वन विभाग वालों को जब ये पता चला कि इन्होंने वार्ड कमेटी बनाई, तो मुझे जो है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने बातचीत के लिए गोपेश्वर में रोके रखा और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को किसी प्रलोभन के लिए 60 किलोमीटर दूर चमोली में बुला दिया था। तो गांव में केवल महिलाएं थी, क्योंकि जो वार्ड कमेटी हमने बनाई थी गांव वहां पर पेड़ों को बचाने के लिए, उसमें महिलाएं तो थी नहीं, लेकिन महिलाएं हमारी बात सुन रही थी कि ये पेड़ फिर से कटेंगे। तो 1970 की जैसी प्रलंका ही बात है। तो जिस दिन पेड़ काटने वाले मजदूर और उसके साथ साथ ठेकेदार के लोग जैसे ही जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने सीधे और सरल शब्दों में कहा कि ये जंगल हमारा मायका है, और उन्होंने सारा गिनाया कि ये जंगल नष्ट होगा तो जो हमें दैनिक वस्तुएं मिलती हैं, चाहे चंद्रा जगरा सब्जी से लेकर के जलावन लकड़ी से लेकर के चारा से लेकर के जड़ी बूटी और अन्य जो उपकरण हैं, उसको गिनाया और कहा कि इस जंगल को हम नहीं काटें, तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है तो पहले हमारी पीठ को काटो तब जा कर के आप। तो पहला शब्द जो था 1973 में जो पहला शब्द था वो था अंगूठा मारना, क्योंकि जैसे ही जंगलात के लोग और ठेकेदार के लोग पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि हम पेड़ों पर अंगूठा मार दें। अंगूठा माने उसको एक तरफ से चिपकने वाली बात। तो इस प्रकार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और क्योंकि हम लोग गांधी विचार से जुड़े हुए थे, ये हमारा ध्यान था कि थोड़ा भी हिंसा होगी तो सरकार आंदोलन को जवाब देगी उसका दूसरे ढंग से वो कर। तो एक तो बिल्कुल जो सत्याग्रह का स्वरूप था, माने मनसा वाचा कर्मणा। एक बार क्या हुआ कि उसी दौरान जब पेड़ काटने के लिए मजदूर भी वापस आ गए थे, तो जो बड़ी बड़ी सभा होती थी, एक ने कहा, जैसे कि कहते थे कि वन सुंगो भाग जाओ, वन सुंगो माने जंग पेड़ों को सूंघने वाले कि ये पेड़ उपयोगी है, इस पेड़ को काटो, तो वो आप यहाँ से बाहर चले जाओ। लेकिन कुछ लड़कों ने ये कह दिया था कि वन सुंगो माने जैसे सुअर शब्द, तो हमने कहा भाई यदि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है तो आंदोलन वापस होगा। तो इस प्रकार से उसमें मनसा वाचा कर्मणा सब बातें रखी गई, और उसके साथ साथ माने संघर्ष के साथ साथ रचना का काम भी शुरू किया गया। एक तो चिपको आंदोलन, दूसरी ओर जो नंगे वृक्ष भी इन इलाके हैं उसमें हरियाली लाने का काम किया। जैसे मैंने कहा कि राकेश दीवान जी से पिछले 3-4 दशक पुराना संबंध है, जब ये मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रहे थे तो इनका पूरी टीम वहाँ पहुँची। तो उस समय वन एवं पर्यावरण समर्थन से, क्योंकि सरकार पर जो दूसरा दबाव पड़ा वो जो हरियाली लाने का कार्यक्रम भी लोगों ने साथ साथ किया, तो उसके कारण ये, तो इस प्रकार से इस आंदोलन का विस्तार हुआ, न केवल एक्शन का, संघर्ष का, बल्कि रचना का भी दूसरा कार्यक्रम। और उस वन एवं पर्यावरण संवर्धन शिविर में तो आज आप देख रहे हैं कि जो इसका विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं काटे जाने चाहिए। चिपको आंदोलन ने जमीन की, जमीन के आदमी की बात की, उनकी समस्याओं को उनके समझ के मुताबिक रखा, तो इस आंदोलन का विस्तार हुआ, और न केवल उत्तराखंड में बल्कि कई अन्य इलाकों में भी इस आंदोलन का और विस्तार हुआ। और आज आवश्यकता इस बात की है कि क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि न केवल हमारी दुनिया में बल्कि हमारे देश के भी अधिकांश भाग पर्यावरणीय बिगाड़ से संतरस्त है। एक और हमारी आवश्यकता बढ़ रही है, दूसरी ओर उससे भी अधिक तेजी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों में चाहे जंगल हो, खनन हो और मिट्टी का क्षरण इत्यादि, ये कई कारण हैं जिसके कारण वहाँ का पर्यावरण बिगड़ रहा है। एक और पानी के परंपरागत स्रोत सूख रहे हैं, वायुमंडल दूषित हो रहा है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ रहा है,
भूस्खलन, भूक्षरण, भूमि कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं और प्रतिवर्ष बाढ़ से लाखों लोगों की तबाही हो रही है। हमारी जो विकास परियोजना है वो भी उससे प्रभावित हो रही है। और एक तरफ से देखें हम तो हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो पहाड़ों पर पड़ रहा है। पहाड़ माने हिमालय से लेकर के आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और एक तरफ से समुद्र के तट तक, ये सारा दुष्प्रभाव। जहाँ छोटे भी पहाड़ हैं और पहाड़ हमारे इतने महत्वपूर्ण हैं, न केवल हिमालय का पहाड़ बल्कि जो और पहाड़ हैं। अभी पिछले दिनों मुझे 2 साल पहले मैं रायपुर में एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के निमित्त गया तो वहाँ उन्होंने वो जहाँ से नर्मदा निकलती है और अपनी सोन नदी और अमरकंटक की यात्रा की, तो वहाँ पर बता रहे थे कि पहले अनुपम मिश्र जी जो पर्यावरण से और चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, वो पहले हमको कहानी सुनाते थे कि अमरकंटक में बहुत नुकसान हुआ, आबादी का विस्तार हो रहा है, जंगलों का, उसके कारण जंगलों का भी विनाश। लेकिन 2 साल पहले हम वहाँ पर जब गए तो देखा कि एक तो ये समझ में आया कि ये नर्मदा का उद्गम स्थल है, दूसरा सोन भी गंगा की एक धारा है जो पटना के पास गंगा में मिलती है और उसका जो बेसिन है वो 8% के करीब है और उसमें जो वाटर बजट है पूरे देश का वो 5% के करीब है। तो वहाँ भी जो गड़बड़ी हो रही है जैसे हिमालय में हो रहा है, एक दिन वो उसका भी वही हाल होगा। तो आज हिमालय में जो वो होता है, हिमालय का हमारे ऊपर बहुत दबदबा है। हिमालय को आप लोग यहाँ पर जो युवा हैं, अन्य वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो हिमालय को जो इस रूप में आप लोग जानते हैं कि हिमालय सैलानियों का स्वर्ग, आप लोग सैल करने के लिए हिमालय में जाते हैं, या दूसरा जो वो है हिमालय में जाने का जो जोखिम का एक तरफ से साहसिक खेल खेलने का भी एक तरफ से केंद्र है हिमालय, तीसरा कवियों का कल्पना लोक है, चौथा जो वैज्ञानिक हैं उनका शोध क्षेत्र है और जो धार्मिक आस्थावान लोग हैं उनके लिए देवभूमि स्वर्ग और न जाने क्या क्या है। लेकिन दूसरी ओर जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि भूगर्भविद मुख्य रूप से हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है और युवा पहाड़ है, वो आज भी अपनी स्थिरता को ढूंढ रहा है। हमारे गढ़वाली में एक शब्द है उसको कहते हैं प्यांकू, माने प्राइमरी स्कूल में कोई बच्चा थोड़ा सा छेड़ने पर रोने लग जाता है, तो वही हालत हिमालय की है, थोड़ा भी गड़बड़ी करो तो वो लैंडस्लाइड, भूस्खलन, एक तरफ से प्यांकू की तरह रोने लग जाता है। तो हिमालय की ये हालत है और इसके वहाँ पर आज जो गड़बड़ी हो रही है, जैसे आपने अभी सुना होगा कि सिक्किम में ग्लेशियर टूटा, नॉर्थ सिक्किम में, उसके कारण वहाँ की जो परियोजना थी विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की वो भी प्रभावित हुई, तिस्ता नदी बहुत बुरी तरह से बौखलाई और उसके कारण सैकड़ों जमीन नष्ट हुई और यहाँ तक कि बांग्लादेश पर तक उसका दुष्प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार आपने जोशीमठ के बारे में सुना होगा, जोशीमठ 1976 में यही हालत थी, तो उस समय वहाँ गोपेश्वर पीजी कॉलेज के और कुमाऊँ विश्वविद्यालय के युवाओं को साथ लेकर के 150 विद्यार्थियों के साथ हमने जोशीमठ को बचाने का एक उपक्रम किया था और उन विद्यार्थियों के साथ 45 दिन तक वहाँ पेड़ लगाने का, दीवार बनाने का कार्यक्रम किया था और उसका प्रभाव भारत सरकार पर भी पड़ा और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए कई कार्यक्रम वहाँ पर सुधारात्मक कार्यक्रम किए जिसमें नाली बनाना इत्यादि। लेकिन 50 वर्ष के बाद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ जंगल तो खड़ा हो गया था लेकिन ऊपर बड़े बड़े भवन बने और 50 वर्ष के बाद आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जोशीमठ का अस्तित्व एक तरफ से ख़त्म हो रहा है। तो ये हिमालय में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ पिछले
40-50 वर्षों में और भी अधिक हो गई, और इधर खगोलीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण ये समस्या दिनों दिन और बिगड़ रही है और इलाके इसके अंतर्गत गड़बड़ हो रहे हैं। आपने सुना होगा 2021 में एक रैणी उत्तराखंड में ही, रैणी नामक स्थान पर एक ग्लेशियर टूटा, ऊपर से चट्टान टूटा, और उसके कारण अलकनंदा की सहायक धारा पिंड धौली नदी बौखलाई, और धौली नदी बौखलाने के कारण दो बिजली परियोजना, एक तो 13 मेगावाट की थी और एक 500 मेगावाट की। 13 मेगावाट की बिजली तो पूरी तरह से नष्ट हुई, लेकिन 500 मेगावाट जो बिजली थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसी प्रकार 2013 में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में केदारनाथ के बारे में आपने सुना होगा, उसमें 10,000 के करीब लोग मारे गए या लापता हुए, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के ही 300 से ज़्यादा यात्री वहाँ मारे गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र, पूरे देश के लोग उसमें। आप इसको कहेंगे कि साहब सरकार और पत्रकार तो कहते हैं कि साहब ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके पीछे जो है, जैसे केदारनाथ इतना बड़ा नगर बन गया था, वो पत्थर नीचे से तो ले नहीं गए वो मकान बनाने के लिए, बालू भी नीचे से ले नहीं गए, उसी संवेदनशील इलाके को जहाँ ग्लेशियर मोरेन डिपॉजिट माने जो बर्फ का इलाका है वो उसमें वो नगर है, वहाँ खनन मानवीय गतिविधियों के कारण वो 2013 की बाढ़ है, उसका विज्ञान सम्मत ढंग से किसी ने वो किया। अभी जो खगोलीकरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में आपने सुना होगा कि पिछले 175 वर्षों में, जैसे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो 1850 में जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, उसके बाद जो 2023 में माने 175 वर्ष हो गए, अब जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है, और अभी जो विश्व सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब में, उसमें कहा जा रहा है कि यही रफ्तार रही तो 2030 में 1.5 के करीब डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, और 2050 तक वो 2% तक होने की संभावना है। यद्यपि हमारी सरकारें कह रही हैं कि 2070 में हम 0 पर जाएंगे, लेकिन आज सवाल ये है कि जिस रफ्तार से तापमान बढ़ रहा है, यही रफ्तार बढ़ती रही तो उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हिमालय पर पड़ने वाला है, जो मैंने आपको गिनाया कि यहाँ पर चाहे वो सिक्किम का ग्लेशियर हो, रैणी उत्तराखंड का ग्लेशियर हो। इसके अलावा आपने सुना होगा 2014-15 में जम्मू कश्मीर में प्रलयंकारी बाढ़ आई, तो वहाँ एक तो जंगल की बात, दूसरे जो छोटे छोटे तालाब, हमारे यहाँ करीब 666 के करीब ग्लेशियर लेक हैं, एक तो पहले ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बाद ग्लेशियर लेक हैं, फिर मोरेन डिपॉजिट कहते हैं जो ग्लेशियर जिस मलबे को आगे भेजता है, और उसके बाद बुग्याल है, अल्पाइन मीडो जिनको कहते हैं, और बुग्याल के बाद जंगल, चौड़ी जंगल, चौड़ी पत्ती के जंगल मुख्य रूप से कितनी भी बारिश आ जाए वो यदि चौड़ी पत्ती के जंगल रहें, वो चाहे मैदानों में रहें चाहे पहाड़ में रहें, अतिवृष्टि को अपने में समाहित करते हैं, और जो निरंतर जलधाराएं हैं उनको सदाबहार बनाए रखने में उनकी मुख्य भूमिका। उसके बाद हिमालय को समझने के लिए, जो हिमालय का स्वरूप है उसको समझना जरूरी है कि पहले ग्लेशियर, ग्लेशियर के बाद ग्लेशियर लेक, फिर जो चरागाह हैं, बुग्याल हैं जिनको हम बुग्याल कहते हैं, फिर बुग्याल के बाद जंगल, बसासत और हिमालय का पात प्रदेश, जैसे देहरादून है और कोटद्वार का इलाका है, भाबर का इलाका है, तो ये एक तरफ से हिमालय का स्वरूप है। यदि गर्मी बढ़ेगी तो हिमनद तेज़ी से पीछे जाएंगे, उसका प्रभाव ग्लेशियर लेकों पर पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर लेक हैं वो भरेंगी, और उसके कारण
क्योंकि हिमालय जैसे हिमालय से तीन प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंद्रस, और इन तीनों नदियों में का जो बेसिन है पूरे देश का वो लगभग के जहाँ तक वो जाती हैं और सागर तक मिलने के लिए, तो इनका बेसिन है 43%, और इनमें जो जल राशि है, वाटर बजट है इन तीनों नदियों का, वो है 63% के करीब। तो यदि तापमान बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर पीछे जाएंगे और एक समय ऐसा होगा कि प्रलयंकारी बाढ़ आएगी, फिर वो ग्लेशियर पीछे चले जाएंगे तो बारिश पर निर्भर हो जाएंगे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंद्रस। आप समझ लीजिए कि इन नदियों के कारण हमारा, हमारी जो समृद्धि इसके साथ जुड़ी हुई है। वैसे तो हिमालय के बारे में कहा जाता है, हम आज से नहीं सदियों से हिमालय के बारे में, जैसे गीता में भी लिखा गया है कि स्थावराणम हिमालय, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने कहा था कि अस्तुतरस्याम दिश देवतात्मा हिमालय हो नाम नगादि राजा पूर्वा परातो या निधि व गाया स्थित पृथिव्याम एवं आनंदा। माने हिमालय जो है पर्वतों का राजा है और ये एक पृथ्वी का मेरुदंड की तरह, जैसे हमारी पीछे की हड्डी होती है उस तरह है हिमालय। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आजकल जो मानवीय गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके कारण इसके जो वो है वो बिल्कुल प्यांकू बन गया है। यहाँ भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि कटाव, जैसे आपने सुना होगा कि 2010 में लेह लद्दाख में प्रलयंकारी बाढ़ आई। वो इलाका हमारा ठंडा इलाका है, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, और ट्रांस हिमालय में बारिश का जो वो देखेंगे तो 65 से 75 मिलीमीटर है। 2010 में जब वहाँ प्रलयंकारी बाढ़ आई तो मैंने जो मौसम विज्ञान के निदेशक थे और राठौर साहब जो दिल्ली में थे उसके DG, उनको टेलीफोन किया कि कहा जा रहा है कि साहब यहाँ पर वो क्लाउड ब्रस्ट हो गया, क्योंकि दिल्ली वालों ने, पत्रकारों ने सीधे लिखा कि यहाँ एक तरफ से समझ लीजिए क्लाउड ब्रस्ट हो गया है। और तो हमने कहा कि क्लाउड ब्रस्ट के लिए तो एक घंटे में 24 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता, बारिश होगी, तेज़ बारिश एक जगह पर होगी, तो उसको क्लाउड ब्रस्ट क्या ये हुआ। उन्होंने कहा जो हमारे आंकड़े हैं वो 43 से और 50 मिलीमीटर के हैं, तो असल में एक जगह पर, क्योंकि वो उस इलाके में पेड़ है नहीं, और 40, 43, 50 मिलीमीटर बारिश आई तो पूरा वो बालू नीचे आ गया, तो जो हमारा ठंडा रेगिस्तान है वहाँ पर। लेकिन आजकल भी आप सुनते होंगे उत्तराखंड में, या कुछ वर्ष पर पिछले वर्ष आपने अपने कश्मीर में क्या बोलते हुआ वो अमरनाथ के बारे में सुना होगा कि वहाँ भी बाढ़ आई। अब सबने कह दिया कि साहब वो क्लाउड ब्रस्ट, लेकिन वो पूरे जो वाडिया इंस्टीट्यूट वालों ने, मौसम विज्ञानियों ने कहा कि पूरे दिन भर में 37 मिलीमीटर के करीब बारिश आई। तो इसका मतलब यह है कि बारिश ठीक है, तो वहाँ बारिश होती रही, लेकिन हो सकता है कि अमरनाथ के ऊपर कोई लेक जैसी बन गई हो और तब वो टूटी और उसके कारण। तो आजकल क्योंकि वो प्रकृति पर दे देते हैं कि ये तो प्राकृतिक कारण हुआ, उसमें मानवीय गतिविधियाँ, मानवीय गड़बड़ियों को कोई जोड़ता नहीं, चाहे वो सिक्किम की बात हो, चाहे जोशीमठ की बात हो, चाहे केदारनाथ की त्रासदी की बात हो। आज भी वहाँ बिना सोचे समझे कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हो रही, यहाँ तक कि कोई आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ गया हो तो इस साल वहाँ भी पर्यटन के नाम पर बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। वहाँ जो पुराना बद्रीनाथ है उसको ख़त्म करके नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उस बारे में कहा हम लोगों ने, सर्वोदय प्रेस सर्विस ने उसको प्रकाशित भी किया और लोगों ने भी उसमें आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार को तो केवल पर्यटन को वो करना। तो इस प्रकार से आजकल बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। ये अलग जो मैंने तीन नदियाँ कही, एक तो गंगा का पहले हम लोगों ने कहा कि गंगा दो धाराएं हैं गंगा की, एक तो भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। तो ये अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से और भागीरथ खर्क ग्लेशियर के संगम से उद्गमित होती है, तो यदि इन ग्लेशियरों में गड़बड़ी होगी तो उसका प्रभाव,
इसी प्रकार भगीरथी गौमूत्र से उद्गमित होती, और आगे चल करके वो फिर उसमें कई और छोटी बड़ी धाराएं मिलती हैं, और ये देवप्रयाग के पास गंगा कहलाती है, दोनों धाराएं समाहित होती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यमुना ये अपना जल धारण करके होती है, उसमें अपनी ये कई नदियां मैदानों की भी बहती है। और इसके अलावा जैसे हमने कहा कि सोन नदी जो अपने यहाँ से निकलती है, जहाँ से गोदावरी निकलती है, तो वो भी पटना के पास पहुँचती है। तो गंगा का जो बेसिन है वो 26% है, पूरे देश का जो भूमि के आंकड़े हैं उसमें 26% बेसिन गंगा का है। और गंगा में जो जल शक्ति है वो है 25%। तो एक बार क्या हुआ कि सर्वोदय के मीमांसक आचार्य दादा धर्माधिकारी के नाम को आपने सुना होगा, वो हमेशा जब बनारस में आते थे तो वहाँ दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। तो आज 1961 की बात है, जब मैं सर्वोदय आंदोलन में गया तो दादा से हमने पूछा कि दादाजी गंगा का इतना महत्व क्यों है। उन्होंने कहा कि गंगा के कारण देश की समृद्धि गंगा के साथ जुड़ी हुई है, 41% आबादी गंगा के साथ जुड़ी हुई है, माने उसमें मध्य प्रदेश भी है क्योंकि सोन यहाँ से निकलती है, इसके अलावा भिंड मुरैना से चंबल निकलती है, ये यमुना की सहायक नदियाँ। तो क्योंकि उसके साथ हमारी समृद्धि जुड़ती है, एक तो ये बात समझने की, दूसरी धारा है हमारी ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा अपने कैलाश रेंज के पूर्वी भाग से उद्गमित होती है, और वो वहाँ उसको स्वांगपो कहते हैं, फिर वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसको सियांग कहते हैं वहाँ के लोग, और वही सियांग दियांग आदि अनेक नदियाँ मिलती हैं, फिर उसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और वो 2900 किलोमीटर प्रभावित होती है, 1700 किलोमीटर वो तिब्बत में प्रभावित होती है। इसी प्रकार आपकी सिंधु और सतलज है, सिंधु नदी जो है अपने मानसरोवर के पश्चिमी की ओर से उद्गमित होती है, और उसमें सतलज में हमारे कई प्रांत अपने हिमाचल प्रदेश हरियाणा इत्यादि हैं। तो यदि इन नदियों में कुछ गड़बड़ी होती है, मानवीय गड़बड़ियाँ होती हैं, तो वो बौखलाएंगी और हमारे देश की जो माने जो विद्युत परियोजनाएँ हैं या लोगों की खेती बाड़ी है वो प्रभावित होंगी। विद्युत परियोजनाएं नष्ट होंगी तो उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे उद्योगों पर पड़ेगा, हमारी पूरी आर्थिकी पर पड़ेगा। तो ये आज समझने की आवश्यकता है। हिमालय में गड़बड़ी होती है तो केवल हिमालय वासियों का ही वो नहीं है, बल्कि और पूरे देश का, और यहाँ तक कि दक्षिणी एशिया, क्योंकि हिमालय के साथ हमारा केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि भी जुड़े हुए हैं, भूटान और नेपाल भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि यदि जैसे तापमान के का एक प्रभाव तो हमारे हिमनदों पर पड़ रहा है, दूसरा कहते हैं कि साहब समुद्री तूफान में भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ बढ़ रही हैं। तो समुद्री तूफान के लिए तो हमने वार्निंग सिस्टम, चेतावनी के तंत्र खड़े कर दिए, लेकिन हिमालय में यदि गड़बड़ी होती है तो उसका अभी तक कोई उपक्रम खड़ा नहीं किया गया है। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस प्रकार से वो होना चाहिए कि जिससे हिमालय में भी यदि गड़बड़ी होती है, पहले तो मानवीय जो हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, ऐसी किसी भी गतिविधि को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे हिमालय की संवेदनशीलता बढ़ती हो, क्योंकि हिमालय की संवेदनशीलता बढ़ेगी तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, हमारी आर्थिकी पर पड़ेगा, हमारी समृद्धि पर पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम इसमें हमारी हमें दूसरा यह है कि आज जो हमारे हिमनद बौखला रहे हैं उन हिमनदों के लिए यह है कि तापमान का प्रभाव कम हो। एक तो जैसे हम वृक्षारोपण की बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं, तो हरियाली से एक तो हमारा जो कार्बन जो है वो अपने में
सूखते हैं और प्राणवायु हमको देते हैं। तो एक तो बारिश की तेज बूंदों को वो अपने में समाहित करते हैं, इसलिए आज आवश्यकता है समाज सेवकों का, संस्थानों का, कि उनको हिमालय में और देश में पर्यावरणीय जो गड़बड़ी हो रही है उसके उस समस्या को जन जन तक पहुँचाएँ। इस प्रकार का उपक्रम खड़ा होना चाहिए और विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनको पहले अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, उस समझ को फिर जन जन तक, और ऐसे संगठन खड़े होने चाहिए जो चिपको आंदोलन की तरह एक तो पेड़ों को बचाने के लिए और पेड़ों को लगाने के लिए, नई हरियाली, क्योंकि हरितमा रहेगी तो बारिश की तेज बूंदें वो अपने में समाहित करेंगी और अपने हमारी जो जलधाराएँ हैं वो सदाबहार बनाए रखी जा सकती है। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रमों की आज आवश्यकता है। तो ये गरिमामय अवसर प्रदान करने के लिए मैं अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय का, मुख्य रूप से कुलपति जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ।